हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। खूबसूरत आँखें आपकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए इंतहाई अहम किरदार अदा करती हैं और ये ज़रूरी है कि आप अपनी आँखों का ख़ास ख्याल रखें ताकि इसके गिर स्याह हल्के आपकी खूबसूरती को मुतासर ना कर सकें। आँखों के नीचे स्याह हल्कों की वजह नींद की कमी और काम का दबाव है। ठंडे दूध में मौजूद अज्जा आँखों के गिर्द पाई जाने वाली झुर्रियों को ख़त्म करता है और साथ ही स्यापन को भी ख़त्म करने में फ़ायदेमंद होता है। रुई को दूध में डिप करके 15 मिनट के लिए आँखों पर रख लें। इस अमल को करने से जो भी आँखों के नीचे स्याह हल्के होंगे वो भी ख़त्म हो जाएंगे और इसके साथ स्याह हल्के भी नहीं होंगे। एलोवेरा में कुदरती जादू पाया जाता है। एलोवेरा में विटामिन ई पाया जाता है जो कि हमारी आँखों के लिए और आँखों के नीचे स्याह हल्के हैं इनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। टमाटर को काट कर अपनी आँखों के ऊपर 15 से 25 मिनट तक लगाए रखें, मगर इस अमल को ठंडे चम्मच का तरीका अपनाने के बाद करें और दोनों के दरमियान कम अज़ कम 2 घंटे के वक्फे का ख्याल भी रखें। एक टी पैक लें, ग्रीन टी पैक हो तो ज़्यादा बेहतर है। इसको पानी में भिगोकर फ्रिज में रख दें, बाद में इसे अपनी आंखों पर रख दें। इस अमल को बार बार करने से बेहतरीन नतीजे मिल सकते हैं। बादाम का तेल आंखों के इर्द गिर्द के हिस्से पर ज़बरदस्त काम करता है और ये स्याह हल्कों में कमी लाने के लिए बेहतरीन घरेलू नुस्खों में से एक है। एक चाय का चम्मच बादाम के तेल में 1 चाय का चम्मच शहद मिलाएँ। इसको आप किसी भी टाइम अपनी आंखों पर इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके भी आपको बेहतरीन नतीजे मिलेंगे। आलूओं को छीलकर इनका जूस निकाल लें, फिर इसके जूस में रुई के टुकड़े को भिगोकर आंखों के नीचे रख दें और इस बात को यकीनी बना लें कि तमाम स्याह हिस्सा रुई से ढका हुआ हो और बाद में इसको ठंडे पानी से साफ़ कर लें। ये भी स्याह हल्कों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर शेयर करें ताकि मेरे आइंदा आने वाली वीडियो आप